हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिनी गार्डन। फ्रेंड्स, आज का हमारा प्लांट है मधुकामनी। आज इसके मैं केयर टिप्स और फर्टिलाइज़र के बारे में शेयर करूंगी, जिससे डालने से आपके मधुकामनी अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो कलियां भी नहीं आ रही, तो उस फर्टिलाइज़र से आपके मधुकामनी में बहुत सारे ढेरों कलियां बनेंगे, जिससे फूल बहुत गुच्छों में आएंगे। तो इस वीडियो में आपसे ये शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड, जो भी आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड, जैसे आप मेरा मधुकामनी का ये प्लांट देख रहे हो, ये मेरे पास दो प्लांट है और एक प्लांट में गर्मी के कारण जो मेरा प्लांट बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था, अब वो थोड़ा सा उसमें भी फूल नहीं आया। और जो मेरे दूसरे ये प्लांट आप देख रहे हो, इसमें काफ़ी फूल भर के आए हैं। और जो आज मैं फर्टिलाइज़र बताऊँगी वो आप डालना, जिसके आपके फूलों में बहुत सारे इसमें जो कलियाँ नहीं बन रही तो कलियाँ भी आने लग जाएंगे। फ्रेंड, इस मधुकामनी का एक और नाम है ऑरेंज जैस्मिन बोलते हैं, इसको मुरैना भी बोलते हैं। तो ये प्लांट बहुत ही खुशबूदार फूलों वाला पौधा है, बहुत ही अच्छा है। ये आउटडोर प्लांट है, इसको 6-7 घंटे की धूप बहुत ज़रूरी है, तभी इसके जो प्लांट में कलियां बहुत सारी बनने लग जाएंगी। तो फ्रेंड, जैसे आप ये मेरा प्लांट देख रहे हो, जितने भी मेरे फूल खिले थे, जब फूल खिल जाते हैं तो उसके जितने भी पुरानी सूखी जो उनके फूल होते हैं उनको हमेशा रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आपने उसी में छोड़ दिया तो पता है इसमें कलियां नहीं बनेंगी बिल्कुल। वो मतलब वो जो फूल तो सूख जाता है, कलियां वहीं रुक जाएंगे, फूल नहीं आएंगे, तो खाली इसे झाड़ की तरह ये पौधा आपको सिर्फ ऐसे ही दिखेगा जैसे आप ये प्लांट देख रहे हो। बट ये गर्मी के कारण इस प्लांट की ऐसी हालत हो रखी है। दोनों प्लांट को मैं साथ लेकर आई थी, ये गर्मी सहन नहीं कर पाया। ये दो प्लांट से मैंने सोचा एक बचेगा एक मर जाएगा, बट दोनों ही बच गए, तो उसकी हालत गर्मी की वजह से ऐसी हो रखी है। दूसरा, इसमें 3 बार फूल आ गए फ्रेंड। और फूल आने के बाद में देखिए, जो इनकी जो नई नई पत्तियाँ देख रहे हो, ये सब मैं इनकी कटिंग कर देती हूँ हर, जैसे कि हर 15 दिन में। ये मधुकामनी का पौधा हर 15 दिन में इसमें कलियाँ बनेंगी। जैसे अब फूल खिल चुका है, इनको मैंने रिमूव कर दिया था, तो रिमूव होने के बाद जब इनकी छोटी जो कलियाँ होती हैं तो उसमें फिर स्टार्ट नई नई पत्तियों के साथ नई नई कलियाँ बननी भी स्टार्ट हो जाती है, और हर 15 दिन के बाद ये फूल देते हैं। तो ये बहुत खुशबूदार फूलों वाला पौधा। अगर फ्रेंड आप लोगों ने अगर नहीं लगा रखा है ना, तो आप प्लीज़ इसको लगाइए, बहुत ही अच्छा है ये। इसमें जब ये फूल खिलते हैं ना, इसमें मधुमक्खियाँ वगैरह बहुत आती है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है जब इसमें मधुमक्खी वगैरह इसमें अटैक करती है, मतलब आगे पीछे बहुत मतलब घूमती है और पूरे गार्डन को इतना महकाती है ना। मतलब अगर आपने नहीं लगाया तो इसको तो ज़रूर से लगाइए फूल। जैसे मोगरा आपने लगाया तो इसको भी लगाइए। मधुकामनी बहुत ही अच्छा प्लांट है, ये परमानेंटली प्लांट है, आपको हर साल ये फूल देगा, ये 12 माह से फूल देता है। बरसात के टाइम में बहुत फूल देता है, मतलब गर्मी से स्टार्ट हो जाता है फूल देना, तो आप इसको ज़रूर से लगाइए। और वैसे इसकी जो मिट्टी होती है फ्रेंड, भुरभुरी होनी चाहिए, चिकनी मत बनाना। इसमें एक पार्ट सैंड और दूसरा पार्ट मिट्टी और गोबर खाद, आप बस इससे मिक्सचर बना के आप इसको प्लांट को आप लगा सकते हो। अगर आपने इसको नीचे लगा रखा है ना, तो काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसमें 3 वैरायटी आती है, एक काफ़ी बड़ा होता है, वो ज़्यादातर 15 फुट तक का जाता है, उसमें फूल बहुत बड़े आते हैं, काफ़ी बड़े आते हैं। और जो ये जो सेकंड नंबर पे ये है, जो पहला बड़ा वाला बताया, उसकी पत्तियाँ भी काफ़ी बड़ी होती है, 7-8 फुट 15 फुट तक चला जाता है। और ये है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपके पॉट में बड़ा पॉट है तो ज़्यादातर 5 फुट जाएगा, वो भी अगर आप कटिंग करोगे तो 3-2.5 फुट इतना ही रहेगा। अगर जैसे मैंने ग्रो बैग में लगाया, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि मैं इसी कटिंग करती रहूँगी। तो फ्रेंड आप इसको, एक दूसरा होता है कामनी टेबल कहते हैं उसे, वो मेरे पास एक और है, बहुत अच्छा है, वो बहुत ही मतलब वो इंडोर प्लांट है, बहुत प्यारा है। तो फ्रेंड आज इसमें जो मैं फर्टिलाइज़र बता रही हूँ, जैसे गोबर खाद आप देख रहे हो, तो गोबर खाद मैं हर महीने में एक बार ज़रूर से देती हूँ अपने सभी प्लांट में। और मधुकामनी में आप क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट और गोबर खाद तो ज़रूर से दीजिए। तो हर महीने में गोबर खाद वगैरह देते हो, पर प्लांट को हमेशा अलग अलग मतलब फर्टिलाइज़र वगैरह आप दे सकते हो। तो जैसे आप ये देख रहे हो, ये है सरसों की खल, जो कि मैंने 100 ग्राम मिला रखा था 1 लीटर के पानी में, क्योंकि सरसों की खल में फ्रेंड नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और हमारे प्लांट के लिए नाइट्रोजन तो बहुत अच्छा होता है, कैल्शियम भी बहुत इनको प्लांट को बहुत ज़रूरी है, तो इसमें सब गुण पाए जाते हैं और ये प्लांट के लिए बहुत अच्छा है। इसके डालने से फ्रेंड, मैंने ये दूसरी सेकेंड टाइम डाल रही हूँ, जैसे कि मैंने वर्मी कंपोस्ट वगैरह डालती रहती हूँ, वर्मी कंपोस्ट गोबर खाद, बट मैं अब लिक्विड फर्टिलाइज़र जब डालती हूँ, तो जैसे सरसों की खल एक को भिगा के और दूसरे वो पाउडर फॉर्म में आप दे सकते हो। तो एक प्लांट को आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने एक प्लांट में
पाउडर फॉर्म में दे रखा, दूसरों को मैं और लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें पानी के रूप में इसमें दूंगी। इसको मैंने 100 ग्राम लिया था और 1 लीटर पानी मिला। आप इसको स्प्रे भी कर सकते हो और फूलों वाले पौधे में आप सभी में ये सरसों की खल आप दे सकते हो। ये आपको आसानी से आपको जैसे कि जहाँ प्लांट वगैरह जहाँ पर इनका मतलब फर्टिलाइज़र वगैरह आपको जो शॉप पे मिलता है वहाँ मिल जाएगा, नहीं तो जहाँ सरसों की खल मैंने ज़्यादातर ये मतलब जो हमारे गांव में ही है ये गांव से ही लेकर आती हूँ मैं सरसों की खल, क्योंकि वहाँ सस्ता पड़ जाता है 15 रुपये किलो। वैसे तो आप शॉप में जाओगे तो पता नहीं, मुझे काफ़ी कहते महंगा मिलता है, बट मेरे गांव में तो काफ़ी सही पड़ जाता है। ससुराल साइड में जाती हूँ जब तो मैं वहीं से लाती, तो काफ़ी अच्छा है। तो सरसों की खल आप डाल सकते हो, ये थोड़ा गर्म होता है तो ज़्यादा मत डालना, महीने में एक बार ज़रूर से डालना तो ये बहुत अच्छा है। आपका अगर कलियाँ नहीं बन रही है तो कलियाँ भी बनने लग जाएंगी। तो फ्रेंड जो ये फर्टिलाइज़र आपको मैंने बताया आप ज़रूर से डालिए तो इसमें कलियाँ काफ़ी अच्छी बनेंगी। तो फ्रेंड कैसी लगी आज की मेरी वीडियो, प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से करना। जो भी आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट प्लांट के साथ, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।